हाय गाइस, वेलकम टू करियर नेक्टर। योर ड्रीम इज अवर पेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के बारे में। फरवरी एंड मार्च 2019 दोनों महीने के ऑलमोस्ट कवर कर दूंगा मैं, कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर क्वेश्चन है वो आप तक पहुँचा पाऊँ मैं। और आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स किन किन एग्ज़ाम में आ रहा है। आपको पता है एफ़ओ में आता है, नबार्ड वगैरह में आता है, और अभी सीडब्ल्यूसी और एफसीआई में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आए। इवन सीडब्ल्यूसी का एक पेपर में तो प्रोफेशनल नॉलेज दिया हुआ है, सिमिलरली आपके उसमें भी है, बट उसमें जनरल नॉलेज का एक सेक्शन दिया हुआ है सीडब्ल्यूसी में। तो आप ज़रूर देख के जाना, करंट अफेयर्स आप ज़रूर तैयार करके जाना, ठीक है। तो आज हम CWC JTE के बारे में बात कर रहे हो, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में बात कर रहा था मैं, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ सुजलम सुफलम जल संचय अभियान। तो कौन से राज्य ने अभी सेकेंड फेज चालू किया है सुजलम सुफलम जल संचय अभियान, ठीक है। तो पहले बात समझो यहाँ पे कि जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। तो अब देखो गुजरात में क्या है, ये सुजलम सुफलम जल संचय अभियान जो है उसमें दो पार्ट है। 60% जो होगा फाइनेंस जो करेगा स्टेट गवर्नमेंट गुजरात सरकार करेगी, और 40% जो है आपका वो स्टेट स्टेट कर प्राइवेट सेक्टर करेगा। प्राइवेट सेक्टर जो भी इसका स्कीम से जुड़े हुए हैं वो करेंगे 40%, ओके। सो 40% विल बी बाय द प्राइवेट ग्रुप एंड द 60% विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, ओके। तो नेक्स्ट थिंग आपका है कि ये जो सुजलम सुफलम जल संचय अभियान है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज़ द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट और एम ऑफ दिस स्कीम, टू डिपेंड द वाटर बॉडीज इन द स्टेट बिफोर मानसून। मानसून के पहले पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर पाए, इसके लिए आपका जो भी वाटर बॉडीज़ है, जो भी वाटर बॉडीज़ है उनको डिपेंड किया जा रहा है टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। होप सो यू पीपल आर गेटिंग मी, कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है और स्टोरेज यूनिट है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है। वाटर बॉडीज़ का, अगर मैं वाटर बॉडीज़ को डिपेंड करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाता हूँ, तो वाटर रेन वाटर ज़्यादा मैं स्टोर कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये बेसिक एम है इस सुजलम सुफलम जल संचय अभियान के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट परसेंट इंडियन इकोनॉमी is expected to grow as per CSO in 2018-19. तो CSO क्या होता है, सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार आपका इंडिया की इकोनॉमी हमारी कितने परसेंट तक ग्रोथ होगी, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन आर 6.8, 7% 7.2, 7.4 या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 7.2। अर्लियर फॉर द 2017-18 के लिए आपका था, 17-18 के लिए 6.8 था, विच इज नाउ बीन कंसिडर्ड एज 7.2 फॉर द फिस्कल ईयर 2018-19। नो थर्ड क्वेश्चन, द एक्सपेंशन इन एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग इज लाइकली टू इंक्रीज 10% इन द करेंट फिस्कल 2018-19 के फिस्कल में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी एक्सपांशन में, एक्सपांशन इन एक्टिविटीज़, कितना एक्टिविटीज़ हमारी बढ़ जाएगी एग्रीकल्चर या एलाइड ब्रांचेज जो भी हो, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग ये सब मिला के कितना परसेंट बढ़ जाएगा करेंट फिस्कल 2018-19 में, कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो करंट जो पहला था वो 3.4 था, अभी जो है 3.8 है। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी, 3.8। अगर पहले का पूछता तो 3.4 होता, ठीक है, 3.4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेटफॉर्म इज बीइंग डेवलप्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू ऑल एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट्स। देखो, एक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले, वो जिसके वजह से वो उन्होंने 6 कंपनियों के साथ भी उन्होंने समझौता किया, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया विद 6 कंपनीज,
टू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू एग्रीकल्चर का जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन्होंने 6 कंपनियों के साथ उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम आपको बताना है कि कौन सा वो डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का मतलब। अब आप आंसर करिए क्या हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप यहाँ पर देख लो, इसका करेक्ट आंसर होगा बड़ौदा किसान। बड़ौदा किसान एक ऐसा होलिस्टिक प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, वो एक होलिस्टिक अप्रोच है टुवर्ड्स द सॉल्विंग एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स एंड फॉर दैट इट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द 6 कंपनीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। अंडर प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना व्हाट इज़ द मिनिमम एश्योर्ड पेंशन पर मंथ आफ्टर अटेनमेंट ऑफ 60 ईयर्स। 60 साल होने के बाद प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के अंतर्गत आपको कितने राशि मिलेगा पर मंथ, या मतलब हर एक महीने में आपको कितने अमाउंट तक मिलेगा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, 3,000 रुपीज पर मंथ। ओके, इन विच स्टेट ए न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर इज गोइंग टू सेटअप। अब ये कौन सा राज्य में बनने वाला है न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सेंटर बोलो इज गोइंग टू सेटअप। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये बनने वाला है, ठीक है, ये न्यू वायरल वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तो वहाँ पर ही बनने वाला है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इंडियाज़ फर्स्ट एग्रोमेट फॉरकास्ट सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड। इंडियाज़ एग्रोमेट फॉरकास्ट सेंटर जो अभी अभी एक उद्बोधन उसका उद्घाटन हुआ है यहाँ पे, तो वो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। ये धारवाड़ कर्नाटका में हुआ है, धारवाड़ कर्नाटका में ये अभी इनॉग्रेशन किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको इनॉग्रेट किया था। In which city first district cooling system of India is going to be set up? तो कहाँ पे ये होने वाला है first district cooling system of India is going to set up? It अमरावती, अमरावती आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे ये first district cooling system आपका set up हुआ है India का, is going to be set up। ये 2021 तक, early 21 तक होने वाला है इसके काम, वहाँ पे चालू होने वाला है, तो अर्ली 2021, ठीक है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अन्नदाता सुखीवाब स्कीम। अन्नदाता सुखीवाब स्कीम कहाँ पे अभी किस गवर्नमेंट ने अभी ये लॉन्च किया है? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी लॉन्च किया है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने इसमें लॉन्च किया है। और आंध्र प्रदेश की जो फिनांस मिनिस्टर है उन्होंने 5,000 करोड़ अपने बजट में इसको रखा है, 5,000 करोड़ रुपीज़ इसके लिए रखा है उन्होंने, ठीक है। और नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज जो उसके लिए हेल्प होंगे वो होंगे 55 लाख लोग उसके लिए, मतलब आपके फ़ायदेमंद रहेंगे, 55 लाख फैमिली उसके फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसमें जो होगा ये इसमें 10,000 पर एनम पर फैमिली को मिलेगा, 10,000 रुपीज़ पर एनम पर फैमिली को मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है अन्नदाता सुखीवाब स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैबिनेट, दो CCEA है आपके क्वेश्चन में, ऐसे भी मिल सकता है कि CCEA जो होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ कुसुम विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग द फिनेंशियल एंड वाटर सिक्योरिटी टू फार्मर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कुसुम? आपको कुसुम की फुल फॉर्म बताना है, एब्रिविएशन आपको बताना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तभी आप बता सकते हो कुसुम का फुल फॉर्म। कुसुम का फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी February 3 को इन्होंने ये कैबिनेट ने चेयर्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, तो ये आपका पास हुआ है अभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सुरेश प्रभु लॉन्च श्वेत एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ श्वेत? श्वेत का फुल फॉर्म क्या है? आपको ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
दोस्तों स्वेत का फुल फॉर्म बहुत इजी है, और ये जो स्वेत है उसको ई नाम से भी थोड़ा लिंक करने की, ई नाम नहीं, एपीएमसी से, एक जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट है उससे भी आपका रिलेट करने के लिए, और वो इसमें है। तो स्वेत जो है ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो स्वेत आपका का फुल फॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेत का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टार्टअप्स ओमेन एंड ईओथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट आंसर। स्टार्टअप्स ओमेन एंड ईओथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। विच स्टेट लॉन्च द स्वीट रिवोल्यूशन स्कीम? स्वीट रिवोल्यूशन स्कीम किसने अभी अभी लॉन्च किया है? तो आपको बताना है। इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें, असम, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज झारखंड। झारखंड की सरकार ने इसको अभी स्वीट रिवोल्यूशन स्कीम, मीठी रिवोल्यूशन स्कीम भी बोला जाता है इसको, तो इसको अभी लॉन्च किया है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हनी के प्रोडक्शन के लिए है थोड़े, और हनी के लिए आपको बीज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये बीज के लिए है बेसिकली। ठीक है, और तो ये स्वीट रिवोल्यूशन स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया? झारखंड के गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, तो फॉर बीज। ओके, इन विच स्टेट सिकार या मेगा फूड पार्क वाज लॉन्च और वाज इनोग्रेटेड? आपको ये बताना है सिकार या मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ पे अभी वो किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज त्रिपुरा। त्रिपुरा में अगरतला में इसको इनोग्रेट किया गया है, अगरतला। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी गिवेन टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स पर ईयर अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना? किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कितना राशि दिया जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को पर ईयर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, 6,000 रुपीज। ठीक है, 6,000 रुपीज। With which organization Coffee Board has collaborated for the development of blockchain-based e-marketplace app for the coffee? देखो जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन, कॉफ़ी का ट्रांजेक्शन है उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने डिसाइड किया है कि ब्लॉकचेन एक बेस्ड ई मार्केट ऐप बनाएंगे वो लोग। और तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये मिलके कॉफ़ी बोर्ड ने डिसाइड किया है या कॉफ़ी बोर्ड ने कोलाबरेट किया है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका नाम है इका प्लस के साथ इन्होंने अभी क्या किया है, ये समझौता किया, कोलाबरेट किया है फॉर द ब्लॉकचेन बेस्ड ई मार्केट प्लेस ऐप फॉर कॉफ़ी। World Tuberculosis Day 2019 was observed on 24th of March with the theme. तो इसका थीम क्या था? World Tuberculosis Day, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो, पहले बात इंपॉर्टेंट है कि ये 24th मार्च को से ऑब्जर्व किया गया है, और इसमें जो थीम था ये था इट इज़ द टाइम। और आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोरी से ये डिजीज़ होता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, और इतना आप जानो कि थीम क्या है, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, और आपका कौन से डे में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, मूव करते हैं वर्ल्ड वाटर डे के बारे में। वर्ल्ड वाटर डे 2019 वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द मार्च 22 विद द थीम। तो उसका थीम क्या था? उसका थीम था वाटर इज लिविंग नो वन बिहाइंड वॉज इट्स थीम। ओके, तो इसका थीम लिविंग नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द बम्प हेड पैरोट फिश? बम्प हेड पैरोट फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? बम्प हेड पैरोट फिश का साइंटिफिक नाम क्या है? बेसिकली ये एक एंडेंजर्ड स्पेसीज है, और जो कि अंडमान और निकोबार की आइलैंड में मिलता है, और काफ़ी मतलब एंडेंजर्ड है ये। तो आपको बताना है इसका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम है वोल्बोमेटोपोन मुरिकटम। ठीक है, वोल्बोमेटोपोन मुरिकटम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ द बम हेड पैरोट फिश।
जीआई टैग अभी अभी रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है कॉफ़ी वैरायटी को, तो आपको बताना है इनमें से किन किन को जीआई टैग अभी मिला है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने सारे भी वैरायटी दिए हुए हैं सारे के सारे को जीआई टैग अभी मिला है, ठीक है। सारे को सारे को एक जीआई टैग मिला हुआ है। कुर्ग अराबिका कॉफ़ी को भी मिला है, रोबास्टा कॉफ़ी अराबिका कॉफ़ी है, चिकमंगलूर अरुका वैली अराबिका कॉफ़ी एंड बाबादू दंगिरी अराबिक को भी मिला हुआ है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, इन सारों को जीआई टैग अभी मिला है। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग वो चीज़ है कि आपके एक जियोग्राफिकल लोकेशन में अगर कुछ भी चीज़ ऐसा बन रहा है जिसकी क्वालिटी है अलग, क्वालिटी उसकी नेम फेम सब कुछ है, क्वालिटी बढ़िया है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन व्हिच स्टेट वेस्ट नाइल वायरस वॉज डिटेक्टेड, ये एक नया वायरस डिटेक्ट किया गया है, तो ये अभी कहाँ पे किया गया है आपको बताना है। वेस्ट नाइल वायरस अभी कहाँ पे इसको डिटेक्ट किया गया है, ये केरला में अभी किया गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी पहले आया था, ये काफ़ी पहले वायरस आया था, बट अभी इंडिया में नया दिखा गया है इसको, केरला में हम इसको मिला है, ठीक है। सिरसी सुपारी गॉट द जीआई टैग, ये एक सिरसी सुपारी है जो, तो वो आपको बताना है कौन से स्टेट से ये सिरसी सुपारी जो है उसको मिला है जियोग्राफिकल टैग, जीआई टैग इसको कौन से राज्य से मिला है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ई, कर्नाटका। कर्नाटका से इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। कर्नाटका से इसको जीआई टैग मिला है सिरसी सुपारी को। आपको सारे जियोग्राफिकल टैग पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में खूब आते हैं। इरोड टर्मरिक गॉट द जीआई टैग, ये टर्मरिक का वैरायटी है इरोड टर्मरिक दैट गॉट द जियोग्राफिकल इंडिकेटर टैग, टू व्हिच स्टेट इट बिलोंग्स टू, ये कौन से राज्य से बिलोंग करता है, तो ये है तमिलनाडु से, इसको तमिलनाडु से ये आपका इरोड टर्मरिक बिलोंग करता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये सारे जीआई टैग एंड ये सेशन। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द करियर नेक्टर चैनल। और एक बात इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई टिप टॉपिक CWC JTA या फिर FCI के बारे में पढ़ना है या फिर कोई भी डिस्कशन चाहिए आपको, तो ज़रूर मेंशन करिए कमेंट में, ठीक है। और आपके दिन अच्छे रहे, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू, बाय।